दोस्तों ख़ुश आमदीद वेलकम गुड इवनिंग आदाब मैं हुसैन जैदी आपके लिए फिर कुछ नई कहानियाँ आपके मनोरंजन के लिए ले आया हूँ मैंने लास्ट टाइम सोचा कि आपको इस बार कौन सी कहानी सुनाई जाए तो चूँकि हमारा पिछला वीडियो ट्रेड क्राफ्ट से मुतल था हमारा पिछला वीडियो जर्नलिज्म से मुतल था और हमारा पिछला वीडियो इससे मुतिक था कि किस तरह से कुछ सूत्रों ने मुझे मेरी कहानियाँ लिखने में चाहे वो अखबार की कहानियाँ हों चाहे मेरी किताबें हों उसको लिखने में कैसे मेरी हेल्प की और कैसे मैं अपनी कहानियों को उनकी बताई हुई जानकारी के मुताबिक मैं अपनी कहानियों को सजा पाया यस yes. एक्चुअली मैं आपसे यही कहाँ कि कहानीकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कहानी को बयान करें तो ऐसा ना हो कि लोग जम्हाई ले रहे हैं लोग बोर हो रहे हैं लोगों को कहानी मज़ा नहीं आ रही है लेकिन क्योंकि हमने पिछली तो ट्रेड क्राफ्ट का जिक्र किया था आई जस्ट थाट कि आपको आज मैं अपने कुछ सूत्रों के बारे में बताऊँ जिन्होंने मेरे पच्चीस साल होने के बावजूद मेरी जर्नलिस्टिक करियर पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी है जी हाँ पहले तो मैं आपको बता दूं कि जर्नलिज्म का मेन प्रिंसिपल होना क्या चाहिए यानी जो कोई भी शख़्स जर्नलिस्ट बनना चाहता है उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो दुनिया में आज़ाद रहें अपने करियर में आज़ाद रहें उसे किसी की बात का पाबंद नहीं होना चाहिए और जो जर्नलिस्ट किसी की बात का पाबंद हो जाए फिर वो जर्नलिस्ट नहीं होता फिर वो स्टेनोग्राफ़र होता है एक आज़ाद जर्नलिस्ट इस देश के लिए उतना ही लाभदायक है जितना कि एक अच्छा डॉक्टर एक ईमानदार पुलिस अफसर मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इस देश के इस आज़ाद इस डेमोक्रेटिक देश के इस प्रजातंत्र के अगर ये सुतून ये पिलर्स मजबूत रहे तो हमारे देश के लिए कामयाबी और सफलता बहुत ज़्यादा रहेगी सो so मैं आपसे बता रहा था कि हमारे जर्नलम का सबसे पहला कानून है इट्स बेटर टू लिव लाइक अ लायन फॉर वन डे देन टू लिव लाइक अ शीप फॉर हंड्रेड ईयर्स जी हाँ जिन लोगों ने अगर इसको अंग्रेजी में नहीं समझा है मैं उनके लिए हिंदी में कहूँ कि बेहतर है जिंदगी में एक दिन शेर की तरह जीना बनस्बत सौ साल एक भेड़ की तरह जीना भेड़ कैसा होता है भेड़ एक गडेरिए के साथ एक झुंड में एक डंडे से हाँकने वाले गडेरिए के तहत होता है उसको जहाँ वो ले जाता है वहाँ जाता है जहाँ उसको चढ़वाता है वहाँ चढ़ता है जहाँ बांध देता है वहाँ बन जाता है शेर आज़ाद होता है सो so, इवन एक एक दिन की आज़ादी इवन एक मुख्तसर सी आज़ादी एक छोटी सी संक्षिप्त आज़ादी बेहतर उस जिंदगी से जो बहुत बड़ी हो बहुत लंबी हो लेकिन क़ैद में हो किसी की पाबंद हो और हम किसी के लिए जवाबदेह हो इस प्रिंसिपल के चलते मैंने ज़िंदगी में सोचा था कि मेरे सोर्सेस should be beyond government sources. We should not just be talking to government officials. कि आपने जो है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की आपने जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात की आपने वकीलों से बात की और आपने गवर्नमेंट के महकमे के सरकारी महकमे के लोगों से बात की और आपने अपनी कहानी लिख दी ये एक बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड होता है और एक जर्नलिस्ट जब भी इस चीज़ का शिकार हो जाएगा इट विल रिफ्लेक्ट ऑन इज़ वर्क सो so, जब मैं नया नया जर्नलिस्ट बना था सन नाइनटीन में मैंने सोचा था कि मुझे अपने सोर्सेज को और वाइडन करना चाहिए आई शुड गो बियॉन्ड दिस गवर्नमेंट ऑफिशियल सोर्सेज और तब मैंने जाके जो है कोशिश शुरू की और लोगों से मिलने की उस जमाने में चूंकि मैं बहुत नया नया था एंड आप सब जानते हैं कि मुझे जर्नलिज्म में मेरी प्रतिभाशाली वाइफ लेके आई थी और उन्होंने मुझे जर्नलिस्ट बनाया था तो नेचुरली मुझे बहुत ज़रूरत थी कि मैं अपने सोर्सेस के लिए उन पर डिपेंड करूँ और उनकी हेल्प की उम्मीद करूँ दो लोगों से उन्होंने मुझे, मुझे मिलाया था जो अपने आप में बहुत कमाल के लोग थे एक का नाम था फारूक बटाटा वाला फ़ारूक बटाटा वाला एक्चुअली मरीन एंड प्रिवेंटिव के एक कस्टम्स ऑफिसर थे अजीब व गरीब शख्सियत थी और जैसा कि मैंने कहा कि एक आज़ाद शख्स को दूसरा आज़ाद शख्स बहुत अच्छा लगता है ये भी बहुत आज़ाद थे फारूक़ जो हैं वो बहुत बड़ी सी दाढ़ी रखते थे उस डिपार्टमेंट में होने के बावजूद अक्सर अंडर कवर रहते थे और बहुत ज़्यादा मजहबी मुसलमान होने के बावजूद वो जीन्स पहना करते थे मॉडर्न कपड़े पहना करते थे मैंने उनको कभी कुर्ते पैजामे में देखा नहीं आम तौर से हमारा हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होती है मुस्लिम वर्ल्ड की कि अगर आदमी बहुत बड़ी दाढ़ी वाला मुसलमान है तो वो बहुत गहरे कुर्ते पैजामे पहनेगा और बहुत टोपी हमेशा लगाए रहेगा फ़ारूक वो कभी नहीं करते थे उनकी एक अजीब सी बुरी आदत भी थी उनको पीने का बहुत शौक़ था सॉरी आप गलत समझ रहे हैं उनको दारू पीने का शौक़ नहीं था उनको पेप्सी पीने का शौक़ था वो लीटरों पेप्सी पीते लीटरों यानी अगर आप देखें तो उनके पेप्सी के कैंस पड़े रहते थे यानी कैन गजल पेप्सी बाई लीटर अजीब इंसान थे मैंने जैसा कि मैंने कहा अब ये तो उनकी शख्सियत हो गई मैं आपको कुछ उनकी प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में बताऊँ फारूक पटारा वाला उस मोहल्ले में बड़े हुए थे जिस मोहल्ले में दाऊद इब्राहिम और छोटे शकील बड़े हुए थे और जैसा कि फारूक ने मुझसे खुद कहा कि इन दोनों की दोस्ती थी इन दोनों की पहचान थी ये दोनों आपस में बड़े हुए हैं कम माल की फिल्मी कहानी ना ये कि दो लोग एक मोहल्ले में बड़े होते हैं फारूक़ एक बहुत ही ईमानदार बहुत ही जियाले और बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी बाउंड कस्टम्स ऑफिसर बने एंड दाऊद इब्राहिम अपराध जगत में जाकर के एक माफिया सरगना अब यहाँ तक होता तो भी ठीक था लेकिन फारूक ने अपनी ज़िंदगी का ध्येय ये बना लिया कि वो दाऊद के माल को पकड़ा करेंगे जो सोने की तस्करी दाऊद जो कर रहा था फारूक उसके सोने की तस्करी को पकड़ेंगे और उसके माल को जब्त किया करेंगे और ये कभी कभी उस सुराग की तलाश में सूत्रों की तलाश में जैसा कि मैंने कहा अक्सर अंडरग्राउंड हो जाते थे घर से गायब हो जाते थे इनकी वाइफ शबनम को भी इनका पता नहीं होता था तो अक्सर कभी कभी अगर हम फ़ोन करते थे एज ए पत्रकार उनके घर पर और अगर हम उनकी वाइफ से बात करते थे तो उनकी वाइफ बहुत नाराज़ नती थी नहीं पता कहाँ गए हैं हमें नहीं पता कुछ बोला नहीं यानी इस तरह से वो काम करते थे कि वो किसी को नहीं बताते थे कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं अब ऐसे किरदार हम आज फिल्मों में देखते हैं लेकिन फारूक वॉज अ वेरी वेरी फिल्मी ही से फिल्म नो ही वॉज रियल एक्चुअली वो कैरेक्टर जो अपनी अपने फ़र्ज की तरफ अपने कर्तव्य की तरफ इस कदर ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उनको दुनिया की पाबंदियाँ दुनिया की जकड़ दुनिया की यानी इनफैक्ट पारिवारिक उनको जो बंधन थे उनको वो भी रोक नहीं पाते थे ही वॉज अ मैन जिन्होंने अपने ज़माने में बहुत से सीजरिश किए उनको दाऊद की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर आया उनको अपनी लाइफ में ऐसा कितनी बार साथ हुआ कि लोगों ने उनके से कहा कि आप पागल हो गए हैं अपनी जान पे आप ख़तरा बन रहा है लेकिन उनको किसी चीज़ से कोई वो नहीं था फिर जैसा कि मैं समझता हूँ कि दाऊद या उनके जो दूसरे दुश्मनों ने मिल कर के फारूक के ख़िलाफ़ एक अजीब व गरीब सा चक्रव्यू रचा मैं उसे चक्रव्यू ही कहूँगा क्योंकि उसके बाद की सारी घटनाएं जो फारूक के साथ हुई वो बहुत दुखद थीं मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि उस ज़माने में आई वॉज टू रॉ मैं बहुत ज़्यादा ना तजुर्बेकार था और मैं आज तक भी उन घटनाओं के क्रम को समझ नहीं पाया लेकिन मैं आपके उन घटना क्रम को जो आपके सामने रखता हूँ जो आप सोचिए उस जमाने में वहाँ पर एक शख़्स था दिलावर वो भी एक आ, लोकल अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था ये और फारूक में अक्सर दोस्ती थी दोनों पहचान में रहते थे लेकिन किसी बात पे अनबन हो गई क्या हुआ वी डोंट नो उन दोनों के बीच ये लोग दोनों नमाज पढ़ के बाहर निकले थे बातचीत कर रहे थे और फिर अचानक फारूक ने अपना हथियार निकाला क्योंकि फ़ारूक हैड अ गन यू ऑलवेज़ कैरिड अ माउजर विद हिम फारूक ने अपनी बंदूक निकाली और दिलावर को गोली मार दी जैसा कि फारूक ने मुझसे बताया कि मेरा इरादा दिलावर को कत्ल करने का नहीं था शायद वो दिलावर को सिर्फ इन्जॉय करना चाहते थे या पता नहीं क्या लेकिन दिलावर को जो गोली लगी वो जे हॉस्पिटल में जब उनको एडमिट किया गया तो दिलावर बच नहीं पाए और दिलावर की मृत्यु हो गई फारूक वॉज अरेस्टेड द मैन वॉज सस्पेंडेड एक इतना जियाला एक इतना ड्यूटी बाउंड ऑफिसर क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरह से उसको उस चक्रव्यूह के अंदर फंसाया गया कोई नहीं जानता लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया गया और पुलिस लॉकअप में डाल दिया गया मैं क्राइम ब्रांच लॉकअप में फ़ारूक को मिलने गया और जब मैं फ़ारूक़ को मिलने गया तो मैंने देखा कि फ़ारूक जो है ही वॉज़ लाइक डी ही वॉज़ वेरी दुखी बट मुझसे बात कर रहे थे तो अक्सर फ़ारूक की आदत थी जब वो कहानियाँ हम बात करते हुए बहुत सी कहानियाँ बोलते थे तो ऐसे मुझे ऑफिशियली से मिलने की इजाज़त नहीं थी लेकिन चूँकि मैं उस जबानी क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था तो मुझे कुछ पुलिस अफसर ने अपने दोस्तों की दोस्ती की वजह से फ़ारूक से मिलने दिया तो आई जस्ट सेट फारूक भाई मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए आप बताइए उस आदमी ने क्या कहा होगा मुझसे तो उसने कहा कि हुसैन भाई एक पेप्सी की बॉटल ले आओ यानी वो आदमी लॉकअप में है और उस आदमी को यानी शायद मुझसे और कुछ कहना चाहिए था तो उसने कहा हुसैन भाई एक पेप्सी की बॉटल ले आओ तब मैं आ, वहाँ पुलिस कैंटीन थी पुलिस प्रेस रूम के बगल में मैंने वहाँ जाके कर छः बोतलें एक साथ ख़रीदी और वैसे मैं इन सारी ड्रिंक्स के बहुत खिलाफ हुआ मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं बट चूँकि फारूक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे मुझे लगा मेरे दोस्त की मुझे छोटी सी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए मैं छः बोतलें या जितनी भी और हाथ में आ सकती थी उतनी सारी लेकर के मैं उनके पास गया उनको लॉकअप में दी लॉकअप के गार्ड को और अफसर को बहुत ऑब्जेक्शन था लेकिन मैंने उनको किसान रिक्वेस्ट की कि आप फारूक को ये चीज़ें पीने दें फारूक बेल पे बाहर तो आ गए लेकिन सस्पेंडेड रहे और बहुत नाराज़ और बहुत डी ज़िंदगी जी रहे थे और फिर अचानक एक दिन फारूक़ जो कि शायद रिन स्टेट होने वाले थे या उन्होंने दूसरे तरीके से अपनी जंग को दाऊद इब्राहिम की के गैंग के खिलाफ जारी रखा था उनके दुश्मनों ने एक दिन उनको अकेले पाकर दो लोग अज्ञात लोग स्कूटर पे आए और उन लोगों ने आकर के फारूक को गोली मार दी फारूक़ की हत्या हो गई यानी मैं मैंने महसूस किया कि वो ज़माना अजीब गरीब था कि मुझे जो फ़ारूक से इतनी अच्छी मेरी मित्रता थी मेरे इतने अच्छे दोस्त थे लेकिन मैं क्राइम रिपोर्टर भी था और मुझे एक पूर्व कस्टम्स ऑफिसर की हत्या पर आकर रिपोर्टिंग करनी थी आई स्टिल रिम्बर वेरी वेल कि मैं कंप्यूटर पे वो रिपोर्ट फाइल कर रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और कीबोर्ड पे मेरे आंसू टपक रहे थे लेकिन वो मैं स्टोरी लिख रहा था आज तक मैं फ़ारूक़ को बहुत मिस करता हूँ बिकॉज़ इतना फैंटास्टिक सोर्स और इतना बहादुर अफसर मैंने आज तक देखा नहीं है फ़ारूक़ की तरह मेरा एक और सोर्स था इसका नाम था हुसैन शेख लेकिन लोग इसको हुसैन उस तरह कहते थे क्यों चूंकि बचपने में एक लड़ाई में हुसैन ने अपनी जेब से नाई का जो इस्तेमाल करने वाला उस तरह होता है वो निकाल करके उसने अपने प्रतिद्वंदी के ऊपर अपने दुश्मन पे ऐसा वार किया ऐसा स्लैश किया कि वो उसके शोल्डर से ले करके उसकी पूरी बॉडी से होते हुए उसके नीचे तक गया पूरा एक स्ट्रेट कट और वो आदमी जब अस्पताल में बहुत क्रिटिकल था तो डॉक्टर देख के हैरान रह गया और डॉक्टर ने पूछा कि ये किसने कट मारा है द रीज़न वॉज़ के डॉक्टर ये कह रहा था कि ये जो प्रेसिजन है ये प्रेसिजन से खाली एक सर्जन अपना कॉलपेल यूज़ कर सकता है जैसे ये कट मारा गया है मालूम पड़ा कि ये उस तरह ने कट मारा था और उसके बाद से वो 16 साल का लड़का हुसैन शेख हुसैन तरह के नाम से मशहूर हो गया जो हमेशा उस तरह चलाने लगा ये अलग बात है कि उस तरह ने बाद में कई गन्स भी रखी कई मॉज़र्स रखी मैंने उसके पास ब्लॉग भी देखी दूसरी बहुत से इम्पोर्टेंट वेपर्स भी देखे लेकिन उस तरह जो है वो अपने आप में एक छोटे से गैंग का जो है हेड था और ये लोग पायदुनी के अंदर बापू खोटे स्ट्रीट में एक छोटे से हाइड आउट से दाऊद के खिलाफ जंग कर रहे थे अब मेरी मुलाकात जब इससे हुई हुसैन से तो इसको सबसे अच्छी बात ये मेरा नाम हुसैन है ये वहीं से मुझसे वार्म हुआ और फिर इसने मुझसे बात करना शुरू की हम दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हम लोग घनिष्ठ मित्र हो गए और हुसैन अपने साथ में मतलब जब भी मुझसे मिलता था तो एट देट वॉज द ओनली टाइम जब वो उसके आसपास बॉडीगार्ड नहीं होते थे एक कमाल की बात मैंने जो महसूस की उसकी गैंग में कि जो छः सात लड़के थे उन सब में कोई ना कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी थी किसी का कान टेढ़ा था किसी का हॉट कटा हुआ था किसी की नाक नहीं थी कोई लंगड़ाता था कुछ तो कोई प्रॉब्लम थी एंड आई हैव नो क्लू कि क्यों था ये ये किसने उसको दी थी ये डिफॉर्मिटीज़ कैसे आई थी या ही वांटेड के इस किस्म के लोग उसकी गैंग में आए उसका बहुत दबदबा था उस पायदुनी एरिया में और लोग जो है उस तरह को जानते थे यानी अगर कोई जाके उस एरिया में उसका नाम भी उसका एड्रेस पूछे तो कुछ लोग पहले घबराते थे लेकिन बाद में उसका एड्रेस बता देते थे उसने एक छोटे से बिल्डिंग में अपना ऑफ़िस बना रखा था और कमाल था कि मतलब आप जैसे उसके ऑफ़िस दाखिल हुए आपको छः फोन रखे दिखेंगे और इन छः फोन में अलग अलग लोग उसको फ़ोन करके अलग अलग चीज़ों की इंफॉर्मेशन देते थे उस तरह जो है वो पुलिस का खबरी भी था यानी मैं जानता हूँ मैं उन लोगों के नाम नहीं लूँगा लेकिन क्राइम ब्रांच के कुछ टॉप अफसरान को उस तरह ख़बर दिया करता था और उन लोगों ने उस तरह को प्रोटेक्शन दे रखा था उस तरह फारूक का भी दोस्त था और ये दोनों भी चूंकि इनका कॉमन एनिमी दाऊद था ये दोनों भी एक दूसरे के दोस्त थे और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते थे मैं फिलहाल इस गहराई में नहीं जाऊँगा लेकिन आपको एक, एक इंटरेस्टिंग एपिसोड ये बताऊँ कि मेरे मित्र विक्रम चंद्रा जब बम्बई आए थे और जब वो अपनी किताब सीक्रेट गेम्स पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि मुझे किसी गैंगस्टर से मिलना है नाउ आपको पता है कि दाऊद इब्राहिम छोटा शकील ये सारे लोग तो जो हैं वो दूर दराज थे और इनसे मुलाकात मुमकिन नहीं थी लेकिन अरुण गली वॉज इन मुंबई एंड द ओली अदर गाय वॉज हुसैन उस्त्रा जो मैंने आपसे कहा कि मुझसे मुलाकात के लिए वो अपने सारे के सारे कन्वेन्शंस और अपने सारे उसूल तोड़ने के तैयार था विक्रम चंद्रा की मुलाकात हुसैन उस से हुई एंड विक्रम वॉज अमेज बिकॉज एज अ गैंगस्टर हम लोगों की छवि अलग होती है हम लोगों को लगता है कि एक अजीब सा आदमी है जिसकी दाढ़ी मुझे बड़ी भी है जो अजीब से कपड़े पहने पहना हुआ है ये जो गाली गलौज कर रहा है उस तरह वो टोटली डिफरेंट दिस मैन यानी खुद विक्रम जब उससे मिल के आए अब ये बात तो मैंने उस जमाने नोट नहीं करता था लेकिन विक्रम जो है ये बातें नोट करते थे उन्होंने देखा ब्रांडेड शर्ट और ब्रांडेड जीन्स पहना हुआ था एंड नॉट जस्ट दैट ही वॉज वेयरिंग अ परफ्यूम पाकोर अन्न वेल आई मीन ये सब चीज़ें तो मैं करता भी नहीं हूँ लेकिन मैं देख रहा था कि विक्रम जो है वो इन चीज़ों को नोट कर रहे थे और विक्रम ने मुझसे कहा कि आई हैव नेवर सीन अ गैंगस्टर और एट लीस्ट आई नेवर एक्सपेक्टेड अ गैंगर टू बी व्ययरिंग दिस इम्पोर्टेड परफ्यूम उस तरह बहुत आशिक मिजाज था उस तरह जो है वो लड़कियों की बहुत बात करता था औरतों की बहुत बात करता था और यही बात है कि उस तरह ने एक कहानी सुनाई थी हमको सपना दी दी थी जिन लोगों ने मेरी किताब माफिया कोइंस पढ़ी है वो लोग देखेंगे कि वो पूरी कहानी जो है हुसैन उसरा के पॉइंट से हमने बयान की है इस कहानी का जिक्र और इस मुलाकात का ज़िक्र विक्रम चंद्रा ने अपने एक आर्टिकल कल्ट ऑफ ऑथेंटिसिटी में भी किया है और ये कहानी जो है माफिया कुछ में भी, भी आप पढ़ सकते हैं सपना दीदी की जो कहानी सो आई एम नॉट गोइंग टू सपना दीदी की कहानी लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस तरह ने ऐसे बहुत से काना में अंजाम दिए जो दाऊद की गैंग के लिए एक सरदर्द बन गए और जैसा कि मैंने कहा कि दाऊद की आदत रही है कि वो किसी भी सरदर्द को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता तब उसने सोचा कि वो उस तरह को भी ठिकाने लगा दें वेल well, उस की कमज़ोरी औरतें थी और वो कभी कभी इन चीज़ों में अपना गार्ड लोअर कर देता था उसको नहीं समझ में आता था कि उसने कहाँ मिस्टेक की और ये इसके लिए कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती है हुसैन उस को एक औरत से इश्क हो गया और वो उससे नागपाड़ा मिलने गया और जब वो नागपा मिलने गया तो शुरू शुरू में तो अपने बॉडी ले जाता था बिकॉज उस था के पास चार छः लोग थे जो सब के सब गंद रखते थे और सब के सब बहुत अच्छे शूटर थे तो शुरू में नागपाला जाया करता था उस लड़की से मिलता था लेकिन बाद में एक वक्त ऐसा आया जब शायद उस लड़की ने शर्त रख दी कि आप अपने बॉडी के बगैर आइए उस तरह ने मुझसे कहा था कि वो अपने मौज़र को अगर उस पर कोई भी हमला होगा वो निकाल करके तीन सेकंड में वो अपने प्रतिद्वंदी पे या अपने हमलावर पे उसका जवाबी हमला कर सकता है और वो महफूज कर सकता है अपने आप को ही वॉज़ अ वेरी क्विक एंड फास्ट गनमैन जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग कितनी आसानी से गन निकाल के उसमें मैगजीन लोड करके बहुत तेज़ी तो से गोली चला सकते हैं ये मैंने उस्ता के साथ पहली बार देखा था और मैंने देखा भी था कि उस ने मुझे गन भी दी थी और उसने मुझसे कहा था कि उसके पास बाकायदा उसके बिल्डिंग में एक जगह शूटिंग रेंज थी जहाँ उसने मुझसे कहा था कि फायरिंग करिए लेकिन मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ आदमी हूँ मुझे लगा कि अगर मुझे कभी इस चीज़ का चस्का लग गया या मैंने कभी अगर बंदूक चलाना सीख ली हो सकता है कि शायद मैं फिर इस नशे से कभी अपने को मुक्त नहीं कर पाऊँगा चूँकि बंदूक का हाथ में होना आपको एक पावर देता है आपके दिमाग में एक बहुत नकली सी एक इमेज देता है कि आप पावरफुल हैं आप जो चाहें कर सकते हैं ये पावर में नहीं हासिल करना चाहता था उस तरह को यही पावर बहुत ज़्यादा था तो जब एक दिन वो नागपाड़ा में इस औरत से मिलने गया आपको पता है कि उस दिन उसके लिए फील्डिंग लगी हुई थी छोटा शकील ने उस तरह के लिए फील्डिंग रखी थी और फिर जब उस तरह वहाँ उस औरत से उस गर्लफ्रेंड से मिल निकला तो उसके ऊपर आपको हैरानी होगी कि ऐसे लोग जो तीन स्कूटर पे और दो गाड़ियों में आए मतलब उनके लिए उस तरह की हैबत इतनी ज़बरदस्त थी कि उनको लग रहा था कि अगर हुसैन वाकई गन चलाने वाला आदमी है तो वह ऐसा ना हो कि वो हम पे गन चला ले उसके मावज़र होगी शायद दो गंज हों शायद तीन गंज हों शायद उसके कुछ लोग छुपे हुए हों इसलिए एक बहुत बड़े दस्ते को भेजा गया वेल well, रियलिटी यही थी कि वो उस उसरा जिसको इस बात पे बहुत गुमान था कि वो तीन सेकेंड में अपनी मवज़र निकाल करके या क्लिप रीलोड करके लोगों को ऊपर गोलियां चला सकता है और अपने को बचा सकता है उस उस तरह को अपनी बंदूक को हाथ में लेने का मौका भी नहीं मिला मैंने सिर्फ ये देखा कि मुझे मालूम पड़ा कि उस पर इतनी गोलियाँ बरसाई गई कि वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट मर गया मतलब मेरे लिए उस तरह की किलिंग का सीन ऐसे ही था जैसे कुर्बानी में कादर खान मारा गया था द मैन हैड नो चांस नो स्कोप टू सेव हिमसेल्फ़ टू डिफेंड हिमसेल्फ़ और इस तरह से एक एक ऐसा गैंगस्टर जो दाऊद से लोहा ले रहा था जो दाऊद से लड़ रहा था जो दाऊद को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा था उसकी और फारूक बटाटा वाले की जो दोस्ती थी उसने दाऊद के लिए काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा रखी थी उसको भी ठिकाने लगा दिया गया ये जो औरत का चक्कर होता है ना औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है ये जो जन जर जमीन जो होता है ना ये शुरू से आज तक ख़तरनाक रहा है मतलब इसी तरह से समत खान को मारा गया था सिक्का नगर में और इसी तरह से उस तरह को मारा गया और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं अगर कभी मुझे इस बात का मौका पड़ा कि मैं कभी आपको बताऊं कि किस तरह से इन्होंने औरत को एक शिकार की तरह इस्तेमाल किया कि जिसके ज़रिए उन्होंने अपने दुश्मनों को ख़त्म किया और अपने दुश्मनों के ऊपर उन्होंने गलबा हासिल किया तो ये एज ए जर्नलिस्ट मैंने जैसे कहा कि मेरे दो सोर्सेज थे कि जिन दो लोगों को हमने देखा कि ये दाऊद के दुश्मन थे लेकिन दाऊद के मोहल्ले में दाऊद के इलाके में रह के दाऊद के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और आखिर में ये दोनों ने अपनी जान गंवा दी लेकिन मॉन ऑफ द स्टोरी जिससे मैं शुरू हुआ था मैं आपको यही कहूँगा कि शेर की तरह एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है एक भेड़ की तरह सौ साल की ज़िंदगी इन दोनों ने बहुत आज़ादी की ज़िंदगी जी और ये दोनों बहुत आज़ादी से मरे अफसोस है मुझे उन पुलिस अफसरान पर जो लोगों ने दाऊद की बात मानी दाऊद की फॉर्माबरदारी की और दाऊद के कहने पर ऐसे बहुत से गलत काम किए आज का सब्जेक्ट वो नहीं है लेकिन मैंने अपनी किताबों में लिखा है कि किस तरह से दाऊद ने शकील ने या अबू सालिम ने पुलिस अफसरान को अपने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और इन लोगों ने पहनी तो खाकी वर्दी लेकिन इन्होंने फ़र्ज जो है वो दाऊद के कहे मुताबिक निभाया खैर मैं शायद बहुत भावुक और बहुत जज्बाती हो गया हूँ इस कहानी में लेकिन मैं ये बता रहा था कि ये दो मेरे बहुत ज़बरदस्त सोच रहे थे और इन दोनों से मैंने बहुत सी कहानियाँ और अपनी क्राइम रिपोर्टिंग के बहुत से नए नए तजुर्बात हासिल किए तो दोस्तों आ, आई नो के थोड़ा सा ये आज का एक इमोशनल सेशन था लेकिन ये हमारी इंटरटेनमेंट सीरीज़ का आज थर्टीनथ एपिसोड था ये एक तेरहवीं कड़ी थी एंड आई एम श्योर कि शायद मैं इमोशनल हुआ हूँ लेकिन आप लोगों ने इससे बहुत कुछ समझा होगा सीखा होगा और आपने उसको एंजॉय किया होगा होप टू सी यू अगेन इन नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट टाइम थैंक यू धन्यवाद सी यू